गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, यह है सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल, और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि सौरभ वर्मा को। मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी बनारस काशी से। तो आज हमारे साथ भाई संतोष हैं। संतोष भैया नमस्कार और स्वागत है हमारे परिवार में आपका। ये इनकी मिसेज हैं अनुराधा भाभी। ये लोग सोनभद्र से आए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? सोनभद्र। चौपन से। चौपन से आए हैं और ये रेगुलर हमारे वीडियोस देखती थी और इनका बच्चा, इनके सारे बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं, दोनों बच्चे। तो जय, हाय जय, कैसे हो? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ना, इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, स्कूल का सारा होमवर्क करना। और ये देखो आपका टाइसन है, ये पापा और मम्मी लेके जा रहे हैं बहुत प्यार से। ये आपका टाइसन हमारे पास से जा रहा है, देखिए कितना क्यूट है, भोला भाला है। थोड़ी देर में शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा। और ये देखिए एक पपी है और इसका भाई है। तो ये रियल शो क्वालिटी लैब्राडोर्स है जिसको आप देख पा रहे हैं। तो एक लैब्राडोर की पहचान, जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, आज दोबारा चर्चा करेंगे लैब्राडोर पे। तो एक पंच फेस लैब्राडोर क्या होता है? तो पंच फेस आप ये देख रहे हैं ना, इसका फेस एकदम बिल्कुल अंदर की ओर घुसा हुआ है, मजल। भाभी एक सेकंड ले सकते हैं टाइसन को? अब तो आपका हो गया है भाई, लेकिन देखिए तो ये जो फेस है ना, आगे की ओर पूरे मजल लटके हुए, कान पूरे चौड़े चौड़े, पंजे बिल्कुल भारी। ये 1 मंथ के पपीज हैं, बहुत बड़े नहीं है, बट 5-5 केजी के पपी हैं। आपने हाथ में लिया है, गलत तो नहीं कह रहे संतोष भाई? भाभी गलत तो नहीं कह रहे? तो ये कस्टमर रियल फीडबैक वीडियो है लाइव, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं यूट्यूब पे। तो 5-5 केजी का एक एक पपी है 1 मंथ में, और बच्चा ये है, शो क्वालिटी है, हेवी बोन है, मदर फादर इसके बहुत अच्छी लाइन से हैं। 20,000 रुपये का सिंगल पपी है ये। एक पपी अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो ये 20,000 रुपीज में है। ये थोड़ा मोटा वाला सेल हो गया है, ये वाला पपी अभी हमारे पास बचा है, और ऐसे ही और पप्स हमारे पास मिल जाएंगे। तो जब आप लैब्राडोर में देखते हैं ना, आप सबसे पहले उसके पॉज देखिए। पॉज हेवी होने चाहिए, मजल होना चाहिए, और कभी लंबी दुम नहीं होना चाहिए। लंबी दुम हमेशा जर्मन शेफर्ड में अच्छी मानी जाती है, लैब्रा में नहीं। लैब्रा की दुम हमेशा छोटी होनी चाहिए, छोटी मगर मोटी। तो ये गोलू मोलू सा भोला भाला से अपना लैब है, ठीक है। लैब्राडोर बहुत अच्छी ब्रीड होती है, फैमिलियर होते हैं, घर वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, गार्डिंग अच्छी कर लेते हैं, भौंकते हैं, भौंक के डरा देते हैं, काटते नहीं हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप लैब्राडोर ले सकते हैं। तो संतोष भैया कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस, कैसे आप आए वहाँ से? अगर 2 शब्द हमारे व्यूवर्स से अगर आप कुछ कहना चाहें तो। हमारे बच्चे परेशान करते थे आपका वीडियो देख करके, आपका बहुत बड़ा फैन है मेरे। अरे थैंक यू, से आकर आपका वीडियो भी देखते हैं। अच्छा, और वो आपका जो है खंडौली को पसंद कर लिया अपने। अच्छा, कुछ और व्यूअर्स से भाभी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका जितना भी मैंने वीडियो देखा है एकदम जस्ट वैसे ही आप, मतलब हूबहू हैं। थैंक यू सो मच, बोलने का। तो आप जैसे वीडियोस में देखते हैं हम बिल्कुल वैसे ही हैं। नीचे कमेंट आता है भैया कि वीडियो वाले जैसा बच्चा मिलेगा। तो मेरे भाइयों, वीडियो में रबड़ के बच्चे नहीं होते हैं दिखाने के लिए, यही पपीज आपके पास जाते हैं। तो ये रियल पप्स होते हैं और मैं वैसा ही हूँ जैसा आप सोचते हैं। तो थैंक यू सो मच इन सारी बातों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। आपका सौरभ आपके साथ, थैंक यू।